हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज डे 14 में हम सिंपल सेंटेंसेस को ही आगे बढ़ाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस आज हमने लिए हैं जो हमें घर में ही कई बार हम जब बात करते हैं अपने भाई बहनों से, मदर फादर से, या कोई फ्रेंड आया है उससे, रिलेटिव से, तो हमें इन सेंटेंसेस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। तो आज हमने ऐसे ही सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं और केवल 10 सेंटेंसेस आज लिए हैं। तो आप देखेंगे कि ये इतने सिंपल सेंटेंसेस हैं कि आपको इन्हें लर्न करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और आप अगर इनका यूज करना शुरू कर देंगे तो आप खुद देख पाएंगे कि आपके कन्वर्सेशन में, यानी बोलचाल में, कितना सुधार आया है। सो फर्स्ट सेंटेंस है, मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम, उसे मैसेज कर दो। उसे मैसेज कर देने के लिए हम केवल इतना बोलेंगे, मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। कभी मैसेज क्योंकि लिख के किया जाता है तो उसे टेक्स्ट भी कहा जाता है। व्हाई आर यू मैसेजिंग मी, दूसरा सेंटेंस है, व्हाई आर यू मैसेजिंग मी, तो तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। तो ये अगर किसी से आपको कहना है या टेक्स्ट टाइप कर करके शेयर करना है तो क्या लिखेंगे, व्हाई आर यू मैसेजिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। फिर है स्विच या टर्न ऑन टीवी, आप या तो बोल सकते हैं स्विच ऑन टीवी या बोल सकते हैं टर्न ऑन टीवी। कभी भी ऑन टीवी ऑन कर दो जब हम बोलते हैं तो उसमें आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, तो हमें पूरा अगर इंग्लिश में बोलना है तो स्विच ऑन टीवी इसका मतलब होगा टीवी चालू कर दो, और टर्न ऑन टीवी यानी टीवी चालू कर दो, तो टीवी ऑन कर दो, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसे बंद भी करने के लिए होता है, तो क्या वर्ड होता है, ऑफ। तो स्विच ऑफ द टीवी या टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो, ठीक है। अब फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, तो वॉल्यूम अगर बढ़ाना है टीवी में तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, टर्न द वॉल्यूम अप, वॉल्यूम यानी आवाज बढ़ानी है तो कैसे बोलेंगे, टर्न द वॉल्यूम अप, इसका हिंदी में क्या, आवाज बढ़ा दो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर वॉल्यूम या आवाज को कम करना है तो अप का अपोजिट डाउन, यस, कम करने के लिए यहाँ पे डाउन शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपका आ जाएगा सेंटेंस, टर्न द वॉल्यूम डाउन, आवाज कम कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब टीवी पर कई बार होता है ना, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, या कोई भी कहता है कि ये चैनल लगा दो, तो चैनल का नाम बोलते हैं और लगाने को बोलते हैं, तो उसके लिए हम क्या सेंटेंस यूज करते हैं, ट्यून इन टू कलर्स या ट्यून इन टू सोनी। यहाँ पे सोनी और कलर्स चैनल के नाम हैं जिनके लिए बोला जा रहा है, और लगाने को, चैनल नंबर लगाने को या चैनल चेंज करने को ट्यून करना कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देंगे आपको ट्यून वर्ड यूज करना है, तो ट्यून इन टू कलर्स या ट्यून इन टू सोनी या ट्यून इन टू जो भी चैनल का नंबर है या ट्यून सम न्यूज चैनल, वर्ड ट्यून आपका आएगा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जब आप किसी चैनल को लगा रहे हैं, तो कलर्स लगा दो, सोनी लगा दो, या बहुत सारे चैनल या बहुत सारे ऑप्शन इस सेंटेंस में हो सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू नॉट रुइन, स्पॉइल या डैमेज योर आईज। अब यहाँ पे मैंने तीनों वर्ड्स लिए हैं, ऑब्लिक लगा हुआ आपको दिख रहा है, तो इसको कैसे हम यूज करते हैं, देखिए इन तीनों का एक ही मतलब है, रुइन, रुइन, रुइन मतलब भी खराब करना, स्पॉइल मतलब भी खराब करना, और डैमेज मतलब भी खराब करना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, कोई भी एक वर्ड आपको सेंटेंस बोलते समय यूज करना है, जैसे मैं स्पॉइल वर्ड यूज कर रही हूँ जैसे, तो डू नॉट स्पॉइल योर आईज, अपनी आंखें खराब मत करो। अब किस चीज से आंखें खराब हो सकती हैं, टीवी देखने से हो सकती हैं, ज्यादा मोबाइल देखने के से हो सकती हैं, तो ये सेंटेंस भी आपके रोजमर्रा की लाइफ का सेंटेंस है और ये आप कई बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। अब कोई सीरियल धारावाहिक आपको पसंद है या वेब सीरीज आपको पसंद है या कोई भी एपिसोड किसी का आपको पसंद है तो आप उसके लिए क्या सेंटेंस यूज करेंगे, यहाँ पे लाइक वर्ड से ज्यादा लव वर्ड ही यूज होता है, तो आई लव टू वॉच मतलब मुझे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, तो मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, तो आई लव टू वॉच दिस सीरियल। जैसे आई लव टू वॉच सुपर डांसर चैप्टर 4 या आई लव टू वॉच इंडियन आइडल सीजन 12, तो इस तरह से आप उसमें अलग अलग वर्ड्स को यूज करते हुए फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कर सकते हैं। द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे इज, दिस सीरियल इज माय फेवरेट, ये धारावाहिक या एपिसोड
मेरा पसंदीदा है। अब जो मेरा पसंदीदा है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे दिस सीरियल इज माई फेवरेट, या उसका नाम लगा करके, सच एज सुपर डांसर चैप्टर 4 इज माई फेवरेट सीरियल, ओके, या इंडियन आइडल सीजन 12 इज माई फेवरेट वन। तो इस तरह से आप सेंटेंस की फॉर्मेशन इसमें कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैंने ये बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इन्हें जरूर लर्न कर लीजिए और इनको यूज भी कीजिए। आप डेली लाइफ में जब इंग्लिश को यूज करेंगे तभी आप इंग्लिश को अपना बना पाएंगे और उसको बोल पाएंगे और उसे सीख पाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, गुड डे, स्टे सेफ।